आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पिवट टेबल, और पिवट टेबल का इस्तेमाल हम लोग सीख रहे हैं पावर पिवट को प्रिपरेशन के लिए, प्रिपरेशन ऑफ द लर्निंग के लिए हम पावर पिवट का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं पिवट टेबल के बारे में। तो कल की क्लास में हमने पिवट टेबल में समराइजेशन, ग्रुपिंग वगैरह सिखाया था। आज हम बात करेंगे कैलकुलेशन भी, पिवट टेबल के अंदर किस तरह से हम कैलकुलेशन करेंगे, राइट। ठीक तो आपके सामने डेटा है और मैं इसमें एक पिवट टेबल इंसर्ट करता हूं। मान लीजिए कि मैंने यहां पे ले लिया एक रिपोर्ट, जनरेट किया प्रोडक्ट वाइज टोटल सेल्स का। सेल्स में हमने यहां पे क्वांटिटी ले लिया, किससे अलग, ये आपके सामने सेल्स आ गए, राइट। क्या है कि हर प्रोडक्ट की क्वांटिटी है हमारी तकरीबन 3,000 प्रोडक्ट बिकने चाहिए, हमारा टारगेट है 3,000। तो मैं देखना चाहता हूं कि किस कौन सा प्रोडक्ट का टारगेट कितना परसेंट अचीव हुआ है, राइट। हाँ जी तो इसके लिए हम डेटा में जाएंगे सबसे पहले, क्योंकि टारगेट का यहां पे जो रखना पड़ेगा। तो मैंने यहां पे रख दिया प्रोडक्ट और यहां पे मैं 3,000 रख देता हूं। लेकिन देखिए, अब आप पिवट के अंदर भी किसी चीज का चेंज करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर मान लीजिए कि 60 कर दिया, किसके अंदर, एचडी के अंदर। तो पिवट टेबल में जस्ट आप रिफ्रेश करेंगे तो आपका चेंज हो जाएगा। लेकिन मैं प्रोडक्ट रिफ्रेश करने से नहीं आया, जो यहाँ यहाँ पे मैं टारगेट जो था वो टारगेट नहीं आया। क्यों नहीं आया टारगेट, क्योंकि टारगेट पिवट टेबल जब लगाया था तो पिवट टेबल का रेफरेंस हमने 302 तक नहीं दिया था और टारगेट हमारा 303 में। सो हम चाहते हैं इसको ये करना कि पिवट टेबल के रेंज को इंक्रीज करना। तो पिवट टेबल एनालाइज में जाएंगे, चेंज सोर्स डेटा पे जाएंगे, चेंज सोर्स डेटा, और यहां से हम पिवट टेबल को चेंज कर लेते हैं। आपके सामने ये दिख रहा है कि हमारे पिवट टेबल का डेटा चेंज हो गया, हो गया सर। हाँ जी हाँ सर अब मुझे इससे सबको डिवाइड करना है। तो इसके लिए पिवट टेबल के साइड में जहाँ वैल्यू फील्ड सेटिंग होती है उस पे जाएंगे, और यहाँ पे शो वैल्यू एज आपको दिख रहा है, इसमें नो कैलकुलेशन डिफॉल्ट होता है। तो उस नो कैलकुलेशन के जगह पे हम परसेंटेज ऑफ को सिलेक्ट कर लेंगे, और इसमें हम प्रोडक्ट और यहाँ पे हम टारगेट लेते हैं एंड ओके कर देते हैं। तो आपके सामने इसका परसेंटेज आ गया सर। हाँ जी सर उसके अलावा और भी चीजें इसमें हैं, जैसे कि परसेंटेज ऑफ द ग्रांड टोटल की, टोटल कंट्रीब्यूशन का क्या परसेंटेज है, टोटल से डिवाइड करके परसेंटेज निकाल देगा। टोटल आपका यहाँ पे और भी है, जैसे कि अगर मैं इसी लेवल क्लिक करता हूँ तो परसेंटेज ऑफ द कॉलम टोटल। अब ग्रांड टोटल, कॉलम टोटल, रो टोटल को समझ लीजिए होता क्या है। चलिए मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने नेम को यहाँ रख देता हूँ एंड वैल्यू फील्ड सेटिंग में मैं आके यहाँ पे इस पे मैं सम करता हूँ, नो कैलकुलेशन, और यहाँ टारगेट को हम यहाँ से अनफिल्टर कर देते हैं। अब देखिए, ये आपका कॉलम टोटल है, दिख रहा है आपको, ये सारे कॉलम टोटल है, ये आपके रो टोटल है, ये आपके ग्राफ। तो ग्रांड टोटल के अकॉर्डिंग चाहते हैं, इससे जितने भी नंबर है सबको डिवाइड करके उसका परसेंटेज ला देगा। कॉलम टोटल चाहते हैं तो इसका जो है इससे परसेंटेज ला देगा, एंड रो टोटल में इससे इसको परसेंटेज ला देगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे बोल दिया ग्रांड टोटल, तो 1,500 अकॉर्डिंग ग्रांड टोटल आ गया। अगर मैंने यहाँ पे किया परसेंटेज ऑफ, तो नीचे जो हर कॉलम का टोटल था उससे इसको डिवाइड हो गया, और परसेंटेज ऑफ रो टोटल तो ये आपका रो टोटल। अब बात करते हैं परसेंटेज ऑफ पैरेंट टोटल, यहां पे आपको दिख रहा होगा परसेंटेज ऑफ पैरेंट
पेरेंट रो टोटल। तो इसके लिए मैं नेम को हटाता हूँ, सिर्फ यहाँ डेटा रखता हूँ। और अभी चीज और भी, एक चीज और भी है, जैसे मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन कर देता हूँ तो ये डेटा आ गया। हम इसमें एक फील्ड को मोर देन वन टाइम रख सकते हैं, यहाँ पे रख दिया। अब मैं इसके ऊपर परसेंटेज ऑफ पेरेंट टोटल का रखता हूँ, तो ये देखिए ये जो आपका 12% पेरेंट्स ऑफ पेरेंट टोटल क्या हो गया, ये एक बार मैनुअल कैलकुलेशन दिखाता हूँ। ये आपका 2570 डिवाइड बाय 1512, जी नहीं 17% आ गया। ये आपका जो है अभी आपका है 1826 डिवाइड बाय 15112, ये तो टोटल से ही टोटल कर रहा है, पेरेंट टोटल क्या हो गया। एक काम करता हूं, मैं यहां पे नेम को इसके नीचे रखता हूं, अब समझ में आया पैर टोटल क्या काम करता है। जो इसकी टोटल है, इसकी टोटल से इसको डिवाइड निकालना है, ठीक है। अब इन सबों का टोटल लिखेंगे तो आपको यहाँ पे 100% दिखेगा। तो हर नंबर जितना उसके पेरेंट रो टोटल से इसका टोटल करता है, इसको पेरेंट रो टोटल करते हैं। एक से बोल कीजिएगा, सॉरी तो अब चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। मैं यहां पेड राइज में फिल लिस्ट में आता हूं। अब यहां पे मैं प्रोडक्ट को हटा देता हूं, ये आपका पेरेंट टोटल था। उसके बाद आगे इसमें चलिए नो कैलकुलेशन में, इस तरह से आपके पेरेंट कॉलम टोटल रो टोटल हुई, कहीं रो और कॉलम में दोनों बार सब टोटल बनते हैं ना। डिफरेंस फ्रॉम कितने डिफरेंस है, कितना परसेंट डिफरेंस रह गया, रनिंग टोटल क्यूमुलेटिव टोटल होता है। जैसे कि आपका ये 1700, एक मिनट, क्यूमुलेटिव टोटल रनिंग टोटल प्रोडक्ट का नहीं होगा, हाँ नेम का होगा क्योंकि okay, चेंज कर दिया ना मैंने। तो ये आपका 1700 हो गया, फिर 1700 दोनों जोड़ने के बाद 3400 आ जाएगा, फिर तीनों जुड़ेगा तो ये 5000, ऐसे क्यूमुलेटिव टोटल होते चला जाएगा। तो मुनीश जुनेजा जी, आप अपने हिसाब से इसमें देख लीजिएगा, जो चीज समझ भी नहीं आए कल की क्लास में बता, ठीक है। ठीक ठीक, अब बात करते हैं कॉलम टोटल की। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके डेटा में टैक्स वगैरह, ग्रांट टोटल वगैरह, अमाउंट वगैरह है, राइट। अब मान लीजिए मैं यहां से इस टोटल, तीनों टोटल को हटा देता हूं, मेरे पास सिर्फ क्वांटिटी अमाउंट है। अब मैं इसके ऊपर पिवट लगाता हूं, इसके ऊपर हमने पिवट लगाया तो मुझे इसमें पर्सन वाइज यहां पे नेम आ गई और यहां पे हमारा क्वांटिटी आ गया। अब मैं अमाउंट का टोटल नहीं चाहता क्योंकि अमाउंट इज एमआरपी, अमाउंट नहीं है, क्या है, एमआरपी है। एमआरपी का टोटल नहीं हो सकता, हाँ एवरेज हो सकता है, बट टोटल नहीं हो सकता है। क्योंकि आप ये अगर डेटा में जाके देखेंगे तो ये 69 का प्राइस नहीं है, ये एमआरपी है, क्या है, एमआरपी है। तो 69 का एमआरपी है 586 की, एक ट्रक को 856 के हिसाब से बेचा गया है, तो इसको मल्टीप्लाई करके इसका अमाउंट बनेगा। तो मैं चाहता हूं कि यहीं पे मल्टीप्लाई करना पिवट के अंदर, क्योंकि इससे पहले मैं डेटा के अंदर कर रखा था, बट मैं यहां पिवट के अंदर मल्टीप्लाई करना चाहता हूं। मतलब कि मैं बात करता हूं दो फील्ड के बीच में मैथमेटिकल कैलकुलेशन की, तो उसके लिए पिवट टेबल में जाएंगे। पिवट टेबल में जाने के बाद हमारे सामने आपको दिखेगा फिल आइटम एंड सेट, फील्ड्स आइटम एंड सेट, इस पे आते हैं। और इसमें हमारे पास कैलकुलेटेड फील्ड है और इसमें हम डालेंगे टोटल, ठीक है। और यहां पे हम अपने कैलकुलेशन देते हैं, तो कैलकुलेशन क्या है, तो कैलकुलेशन है कि यहां पे क्वांटिटी को इंसर्ट किया मल्टीप्लाई बाय एमआरपी, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एमआरपी,
और फिर इसको ऐड कर दिया एंड ओके कर दिया, ये हमारी मल्टीप्लीकेशन हो गई। इसके साथ क्या इस पे हम क्या बोलते हैं कुछ और कर सकते हैं? जी हाँ, कुछ और भी कर सकते हैं। हम आइटम फील्ड में जाते हैं, कैलकुलेटेड फील्ड में आते हैं और यहाँ पे हम देते हैं, मान लीजिए तो मुझे इस पे टैक्स निकालना, जीएसटी निकालना है, तो जीएसटी और जीएसटी किसका, टोटल जो हुआ है उसको, तो जो कैलकुलेट कर चुके हैं फील्ड उसको भी आप कैलकुलेशन में सम्मिलित कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जैसे 18% चाहिए तो इसने 18% इसका निकाल दिया। अब क्या इस पे हम सिर्फ जो है मैथमेटिकल कैलकुलेशन ही कर सकते हैं? जी नहीं, आप इस पे अपना क्या बोलते हैं, और इस पे आप जो है खुद की जो कैलकुलेशन है वो भी डाल सकते हैं। जैसे कि अगर मैं इस पे फील्ड पे जाऊं और मैं यहां से मान लीजिए कि मुझे जीएसटी को एडिट करना है, तो जीएसटी लिखूंगा तो यहाँ पे देखिए मॉडिफाई आ जाएगा, मतलब अब क्या हो गया जो जीएसटी वाली फील्ड थी उसी को मॉडिफाई कर रहा है। तो इसमें आपको फिर से लिखना पड़ेगा, मैं यहाँ पे राउंड का फॉर्मूला, एक्सेल वर्कशीट का फॉर्मूला लगा रहा हूं जिसमें मैं टोटल को ऐड रखूंगा, इसकी मल्टीप्लाई करके 18% निकालूंगा और इसको जीरो कर दूंगा ताकि राउंड हो जाएगा, डेसिमल में नहीं रहेगा। मॉडिफाई किया एंड ओके, अब देखिए डेसिमल में नहीं है, ठीक है। तो मनोज जी एंड जदीप जी, कोई डाउट इसमें? नहीं सर, क्लियर है। कुछ और भी, एक और एक कुछ और भी, जैसे कोई और एग्जांपल भी ऐड कर दीजिए इसके अंदर, कोई और ऐसा जैसे कि चीज। अब अगला क्वेश्चन इसमें आता है कि अभी हमने दो चीजें की, एक तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन की, प्लस माइनस जोड़ घटाव जो भी इसमें करना चाहते हो कर सकते हो, दूसरा आप वर्कशीट की फॉर्मूला इस्तेमाल करते हो। तो वर्कशीट के फॉर्मूला में हमने सिंपल सा राउंड का फॉर्मूला लिया, तो क्या इसमें कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूले भी ले सकते हैं? जी हाँ ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे इंसेंटिव देना है, क्या देना है? इंसेंटिव देना है। तो इंसेंटिव का रूल ये कहता है कि भाई लेस देन इक्वल टू, अगर 50 एज में क्या बोलते हैं 1500 है तो आपको 10,000 रुपये इंसेंटिव मिलेगा, अगर 2000 से नीचे क्वांटिटी है तो आपको इसमें 15,000 मिलेंगे, और 2000 से ऊपर की क्वांटिटी है तो आपको यहाँ पे 3,000 रुपए का इंसेंटिव मिलेगा, 20,000 रुपए का इंसेंटिव मिलेगा। मतलब कि मुझे एक स्लैब है हमारा 1500 से नीचे, 1500 से 2000 और 2000 से ऊपर। तो कैलकुलेट फील्ड में आते हैं, यहाँ पे अपना नाम देते हैं, नाम कुछ भी दे सकते हैं, INC, और यहाँ पे हम देते हैं फॉर्मूला एफ, और फिर यहां पे हम बात करते हैं क्वांटिटी, क्वांटिटी इज लेस देन इक्वल टू 1500 तो 10,000 शो होना चाहिए। फिर अगेन इफ दिया और हमने इसको क्वांटिटी लिया और बोलता हूं कि लेस देन इक्वल टू 2000 देन 15,000 अदरवाइज 20,000, दो इफ दो ब्रैकेट, और फिर इसको ऐड कर लिया एन ओके, ठीक है, क्लियर है सर? हाँ जी सर, क्लियर क्लियर है। इसमें हम वो फॉर्मूला लगाएंगे जिसका रिजल्ट नंबर में आता है, सिर्फ नंबर में, जिसका रिजल्ट टेक्स्ट में आता है ऐसी वैल्यू यहां पे नहीं होगा, ठीक है, आपका हमेशा ध्यान रखिए। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन समझ में आ गया। अब इसमें किस किस तरह की कैलकुलेशन की गई है उसके लिए आप यहाँ कैलकुलेटर, यहाँ पे क्या बोलते हैं सोल ऑर्डर पे, इस पे लिस्ट फॉर्मूला, माफ कीजिएगा, लिस्ट फॉर्मूला में जाएंगे तो पता चल जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज और है कि कैलकुलेटेड फील्ड क्या है। जैसे कि आपको याद होगा कल मैंने ग्रुप का बारे में बताया था, सर ग्रुप बताया था कल आपको मैंने? हेलो, शायद नहीं बताया सर ग्रुप का आपने। चलिए चलिए ग्रुप बता देते हैं थोड़ा देर। तो इसमें क्या है कि मान लीजिए मुझे इन पूजा का और यहाँ पे टीटू का एक जगह टोटल चाहिए, तो यहाँ पे कैलकुलेटेड फील्ड का इस्तेमाल करेंगे, कैलकुलेटेड आइटम का, सॉरी
कर्सर आइटम तभी एक्टिवेट होगा जब कर्सर आपका आइटम पे होगा। अगर हमने कर्सर मान लीजिए इधर रख दिया तो देखिए कैलकुलेट आइटम आपका एक्टिवेट नहीं है। तो कर्सर जैसे मैंने यहां पे रखा और हम यहां पे आए कैलकुलेटेड आइटम, और यहां पे मैं देता हूं पी एन टी के नाम से कुछ भी नाम दे दिया, और यहां पे हमने बोला कि पूजा का टोटल प्लस टी टू का टोटल एंड ओके। यहां पे देखिए एक नया नाम ऐड हो गया और इन दोनों का टोटल यहां पे शो करेंगे, ठीक है। उसके बाद टोटल हटाना चाहते हैं तो पिवट टेबल ऑप्शन पे चले जाएं, टोटल एंड फिनिशर्स में या आप इनकी टोटल्स को हटा सकते हैं। बात करते हैं ग्रुप की। हमने ग्रुप का टॉपिक कल नहीं बताया क्योंकि कभी आपने लेट ज्वाइन किया था इस कारण से। आज हम आप बताते हैं ग्रुप क्या होता है। जैसे कि नेम बाइज हमने क्वांटिटी का टोटल लग दिया, राइट। अब मुझे मान लीजिए कि पूजा और टीटू का टोटल चाहिए लेकिन मैं कंडीशनल ये आपका कैलकुलेशन यूज नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि यहाँ कैलकुलेशन जैसे मैंने यूज किया था तो उसमें उनका टोटल भी सिस्टम में ऐड हो गया था। समझे? उनका टोटल भी ऐड हो गया था ना यहाँ नीचे टोटल में। तो उनको जिसको उसको करना है ग्रुप उसको सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे ग्रुप पे क्लिक कर दीजिए। तो यहां पे देखिए नेम टू और नेम आ गया, तो नेम को हटा दीजिए। अब ग्रुप वन आ गया, यहां पे जो नाम देना चाहते हैं वो नाम आप दे दीजिए। आपका टोटल इफेक्टेड नहीं होगा लेकिन अगर आप इससे यहां से यूज करते हैं तो टोटल आपका इफेक्टेड होगा, ठीक है। हाँ जी सर। अब आपने ग्रुप किया है सर इसको? हाँ ग्रुप किया ना। एक दोबारा बताना सर ग्रुप का एक बार। कंट्रोल के साथ आप जिसको उसको ग्रुप में डालना है उसको सिलेक्ट कर लीजिए, समझे? राइट ठीक है। एंड ग्रुप, अच्छा। और इसको तो पता है हमको चेंज कर सकते हैं। अब बात होती है नंबर ग्रुप। तो मैं पिवट टेबल के अंदर जो है ग्रुपिंग करना चाहता हूँ विद इन नंबर्स। जैसे कि हमने हमें पता करना है कि मेरे पास मोस्टली किस स्लैब के ऑर्डर्स आते हैं, कितनी क्वांटिटी का स्लैब, 10 से 20 वाले कितने ऑर्डर आए, कितनी क्वांटिटी हमने बेचा, 20 से 25 वाले कितनी क्वांटिटी हमने बेचा, ताकि हम पैकिंग का या ट्रांसपोर्टेशन का उसी हिसाब से कॉस्टिंग कर सके, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास मोस्टली जो है मेरा जो सेल्स मोस्टली होता है 1 से 10 के बीच में होता है, और मेरे पास ट्रांसपोर्टिंग का ऑप्शन मिला हुआ है कि मैं अगर 20 से 30 के बीच की क्वांटिटी सेल करता हूं तो मुझे 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो मेरे डिस्काउंट यूजफुल नहीं है, यूजुअल नहीं है, क्योंकि मेरी मोस्टली ऑर्डर तो 10 के आसपास आती है। इस तरह की चीज करने के लिए हम यहाँ क्वांटिटी को यहाँ रखेंगे और वापस क्वांटिटी को यहाँ भी रख देते हैं ताकि सब निकल जाए। लेकिन यहाँ तो मैंने क्या किया, इसको राइट क्लिक करके जैसे ही ग्रुप पे क्लिक किया आपके डेटा का जो मिनिमम है और जो मैक्सिमम हो वो अपने आप यहाँ निकल जाता है। तो इसको आप चेंज भी कर सकते हो। और ग्रुप किसके हिसाब से करना है, तो मुझे ग्रुप करना है मान लीजिए 10 के हिसाब से एंड ओके। तो लेस देन 0 इतनी क्वांटिटी है, 10 से 19 से और 100 से ऊपर इतनी क्वांटिटी है, ठीक है। तो मुझे साफ दिख रहा है कि मेरा सबसे ज्यादा सेल जो होता है वो 80 से 90 के बीच की क्वांटिटी की सेल होती है सबसे हाईएस्ट, लेकिन उसके आस ज्यादा डिफरेंस नहीं है 60 से ऊपर। तो हर क्वांटिटी में मेरा जो है मतलब 200 या 300 का ही, मतलब 500 के आसपास का ही डिफरेंस होता है, 500 किलो 500 का। तो इस तरह से इसकी हम ले सकते हैं। तो नंबर ग्रुप करना आ गया सर? जी सर। हाँ जी हाँ जी। नंबर ग्रुप के बाद हम बात करते हैं किसकी, पिवट टेबल में डेट की ग्रुप की। जैसे हमने यहाँ पे डेट लिया तो
ये तो आपका डेट ग्रुप हो क्या आ रहा है, क्योंकि ये डेटा मेरा ये है मतलब, तो कि इसे बहुत सारे पीपल लगा चुका हूँ पहले से, अंडरस्टैंड कर लिया, लेकिन फर्स्ट टाइम लगाएंगे तो इस तरह से आएगा। तो मुझे इसमें मंथ का टोटल चाहिए। जैसे मान लीजिए ना कि मैं अगर इस पे रख दिया तो इसकी मान लीजिए एक रिपोर्ट है, मान लीजिए मैंने एक मिनट यहाँ लेता हूँ, प्रोडक्ट बाई, तो मुझे एक दिन का सेल देखना है, मतलब एक महीने का सेल देखना है, जैन का सेल देखना है, तो मुझे जैन सेलेक्ट करने में काफी टाइम लगेगा क्या सर? हाँ जी, इस केस में मल्टीपल सेलेक्ट करने, एक एक करके सेलेक्ट करना मुश्किल हो जाएगा। तो उस केस में हमने डेट को यहाँ रो में रखता हूँ, और एक तो मैं इसको पिवट टेबल ऑप्शन में जाके मैं इसको एक में एक कर देता हूँ, डिस्प्ले क्लासिकल, और मैं इसका टोटल भी हटा देता हूँ। डिस्प्ले क्लासिक से क्या रेफरेंस आता है, मतलब ये क्यों करना चाहिए? कल बताया तो था आपको मैंने ना, मतलब उससे मतलब नया जो वर्जन है उसमें बेनिफिट ज्यादा नहीं है, मतलब ये तो पहले चलता था क्लासिक करते हैं तो उसमें, या फिर आउटलाइन फॉर्मेट में करते क्या होता है कि हमारा दो अलग अलग कॉलम में बनता है। आपने देखा ना कि क्वांटिटी एक ही अलग और प्रोडक्ट अलग कॉलम में आया, इससे पहले एक ही कॉलम में था, ये देखिए ठीक। तो इस पे हम राइट क्लिक करके ग्रुप करेंगे, और ग्रुप में हमारा मिनिमम स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट आपके डेट के अकॉर्डिंग ले लेगा, सबसे कम मैंने सबसे पहला डेट और सबसे बाद का डेट यहाँ पे आप उठा लेता है, बट आप चेंज कर सकते हो। तो आपके सामने है मंथ, आप मंथ वाइज ग्रुप कर दो, या फिर आप मंथ के बाद, आप मंथ में नहीं, आप मान लो कि मंथ और क्वार्टर दोनों करना चाहते हो तो दोनों ग्रुप हो जाएगा, और इनको उठा के आप ऊपर फिल्टर में भी आसानी से रख सकते हो, जहां आप फिल्टर लगा सकते हो क्वार्टर फोर क्वार्टर वन, ठीक है? क्लियर है? ठीक है, ठीक है। तो ये आपका ग्रुप हो गया। तो हम पिवट टेबल में मोस्टली चीज कर चुके हैं। अगला पिवट टेबल हमारा आता है, वो आता है एक्सटर्नल पिवट टेबल, ठीक है? एक्सटर्नल पिवट टेबल।